पंजाब हकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों और अपोजीशन के एहतजाज के बावजूद हद इज्जत का कानून असम्बली से मंजूर करवा लिया है सहाफ़ती तंजीमों की जानब से एहत का सिलसिला भी जारी है हकुमत को मतनाज़ कानून लाने की जरूरत क्यों पेश आई आप इस हद के, के कानून को कैसे देखते हैं बिस्मान बहुत शुक्रिया आपका देखें ये जो हद के इज़्ज़त का मामला है इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि झूठी खबरें फैलाई जाती हैं अल्जाम लगते हैं दुश्न तराजी होती है लोगों के किरदार खुशी होती है इसमें तो कोई शुबा नहीं है जी। और सोशल मीडिया में पेश पेश है तो ये हद इज्जत का कानून होना चाहिए और ये जो झूठी खबरें हैं और जो मवालगा आमेज़ ख़बरें हैं और जो दुशनम तराजी और अल्जाम तराशी पर मबनी है उसकी सजा भी मिलनी चाहिए जी। उनका भाव भी होना चाहिए इस पर भी कोई इख्तलाफ़ नहीं है तो हमारा असूली तौर पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है इस मामले में लेकिन अमली तौर पर जो कुछ हुकूमत करना चाहती है हमारी राय यह है कि इसका कोई अच्छा नतीजा बरामद नहीं होगा और जो मकासद बयान किए जा रहे हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे ये कानून जो है इसमें बहुत सुखम है और और इसमें देखिए इस वक्त वफाकी और सूबाई सतह पर अलग अलग लजिस्लेशन हो रही हैं और अलग अलग कानून साजी के दायरे मुतिन किए जा रहे हैं तो ये तो मामला जो है वफाक और सूबों की मशावरत से होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से होना चाहिए ताकि मकासद हासिल कर सकें लोगों की इज्जतें महफूज हो सकें ये कानून जो है ये तो हवा में उड़ जाएगा और इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा और इसीलिए इसको इस पर एहत हो रहा है लेकिन शावी और हुकूमत ने एक ऐसा काम किया है जिसका जो बिल्कुल बेअसर होगा और कोई उससे नतीजा हासिल नहीं किया जा सकेगा

ये टिकटॉक ये यूट्यूब ये तो आपके कानून के दायरे में आते ही नहीं है तो जब कानून के दायरे में नहीं आते तो आप इनको जवाब दे कैसे बनाएंगे इस मसले पे गौर करना चाहिए ना अखबार का डेक्लरेशन होल्डर सामने है एडिटर सामने है टीवी का मालिक सामने है एडिटर सामने है कंट्रोलर न्यूज सामने है एंकर सामने है लिखने वाला बोलने वाला सामने है जो चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले और यहाँ तो नामालूम अफराद जो हैं वो कयामत ढा देते हैं और जब अखबार अखबार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो सब कानून को जवाब दे हैं लेकिन सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमारे किसी कानून का इतलाक नहीं होता और ना हो सकता है

इसकी तस्वीरें देख रहे हैं हम इसकी टीवी कवरेज देख रहे हैं इसको इसका दुनिया जहान का हर काम कर रही है तो मुशावरत क्यों नहीं कर सकती और हमारी बात क्यों नहीं सुन सकती ठीक है शाबी साहब बिल तो पास हो गया लेकिन अब बात गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद पर आ गई है सहाफी तंजीमों ने मुलाकात भी की कर, आपने भी मेंशन किया है इस चीज को तो आपको क्या लगता है कि ये पीपल ये हो सकता है पीपल्स पार्टी में इतना दमखम है कि वो ये बिल को वापस करा सके और वो स्टैंड ले सके या यू थिंक ये फिर पंजाब में गवर्नर पजाब और, और वजी अला के दरमियान कोई नई जंग शुरू हो सकती है कोई जंग शुरू नहीं होगी गवर्नर पंजाब इस मामले में इनरेलीवेंट है वो कानून वापस भी भेजेंगे तो असम्बली दोबारा मंजूर कर लेगी और नाफि हो जाएगा गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी कानून को कलआम करार दे दें दे या कोई मुस्तक रकावट खड़ी कर दें वो उन्होंने जज्बात का इजहार कर दिया है हमारी आवाज के साथ आवाज मिला दी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इससे ज्यादा कोई तो ना रखी जाए वो कानून अगर असम्बली दोबारा पास कर देगी तो फिर कानून बन जाएगा फिर हम उसे अदालत में चैलेंज करेंगे वो कानूनी तौर पर तो नहीं कर सकते साहब लेकिन ये आ, नाकाबले अमल है हाँ। ये नाकाबले अमल है मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें अमल नहीं हो सकेगा नो डाउट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुशावरत का फुकदान था और मीडिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है तो आपको क्या लगता है ये जल्दबाजी क्यों हुई थी किस चीज का प्रेशर था किस चीज़ का पैनिक अच्छा था अच्छा किस चीज का खौफ है आप आप गुस्सा आ जाता होगा रद्दअमल भी पैदा होता है जो खराफात लिखी जा रही है जो बोली जा रही है जो मी, यो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उस पर गुस्सा तो आ सकता है ना और उस पर आतिशी इंतकाम जो है वो भड़क सकती है लेकिन गुस्से को मुनासिब रास्ता मिलना चाहिए ना ताकि नतीजा निकल सके गुस्से को नतीजा खेज बनाना चाहिए मदह का खेज नहीं बनाना चाहिए लेकिन आप अगर ये गुस्सा अगर ये दोस्ती में बदल जाएगा अगर हुकूमत इसको कंसिडर कर ले कुछ भी नहीं होगा हम अदालतों में जाएंगे कानून नाकबले अमल कानून है यही तो और बार बार अर्ज कर रहे हैं ये जमहूरियत है बीबी इसमें मुकालमा चाहिए इसमें मुशावरत चाहिए ये जमहूरियत डंडे से नहीं चलती दोश से नहीं चलती बातचीत से चलती है मुफाहमत से चलती है हम कोई हुकूमत के हरीफ नहीं है हम कोई उसका तख्ता उलटने के लिए नहीं बैठे हुए लेकिन हम सर, तो ये कौन शुरू है? करेगा ये मुफाहमत का पहला स्टेप कौन लेगा ये कैसे ब्रेक होगी आई हमारे साथ तो हुकूमत लेगी बाकी तो हुकूमत जाने और सियासतदान जाने आपस में जो मर्जी करते रहे हम तो तैयार बैठे हैं मुफाहमत के लिए बातचीत के लिए हमारे दरवाजे तो खुले हैं, कह रही हैं कि हम हाँ कुछ किसी ने इनकार नहीं किया हमारे सारे जितने भी लीडर हैं मुख्तलिफ तंजीमों के वो तो अपनी द, बाहें फैला के बैठे हुए हैं वो तो दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि आप खोले दरवाजा और बातचीत का आगाज कर दे